नमस्कार, स्वागत है सभी का लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पर। और आज का हमारा सेशन रहने वाला है एमसीक्यू सेशन, जिसमें हम पेपर वन के बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और आज के सेशन में हमने ज्यादातर पीवाईक्यूज लिए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। सत्र को शुरू करते हैं। सभी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। अपने परिचय से मैं शुरुआत करती हूँ। मैं ज्योति जोशी, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने डबल एमए किया हुआ है। पहला एमए पॉलिटिकल साइंस और दूसरा हिंदी से है। बीएड किया हुआ है, सीटेट और नेट क्वालिफाई है। 6 सालों का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और टीचिंग एरिया है हिंदी, पॉलिटिकल साइंस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कोई भी दुविधा है, नंबर पर संपर्क करके सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी कोई गाइडेंस की आपको जरूरत है तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। ये आपके मेंटर जो इस चैनल पर उपलब्ध हैं आपके मार्गदर्शन के लिए, इनके साथ साथ और भी बहुत सारे एजुकेटर आपके इस चैनल पर उपलब्ध हैं, जिनका आप जिनकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर इनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। बात कर लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस की फैसिलिटी मिल रही है, लाइव टेस्ट और क्विजेस हो जाते हैं। एमसीक्यू के लिए आपका बेटर ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मेगा क्विज और मॉक टेस्ट की फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, जैसे आप एनटीए का, यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, कंप्यूटराइज एग्जाम होता है, सिस्टम में बैठ करके एग्जाम देते हैं, ऐसी ही फैसिलिटी आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मेगा क्विज के माध्यम से वहां पर मिल जाती है, जिसमें हर हफ्ते कई सारे मेगा क्विज आपको सॉल्व करने को मिल जाते हैं। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए जिसमें आपका पेपर वन की सारी 10 यूनिट शामिल हो जाती है और साथ में जो भी आपका पेपर टू है उसका कंप्लीट कोर्स अगर आपको करना है, तो कंप्लीट कोर्स के लिए सिर्फ आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उस एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ही आपका सारा कोर्स कवर हो जाएगा। अलग से पेपर वन या अलग से पेपर टू का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन बहुत ही छोटे अमाउंट में आपको कंप्लीट कोर्स की फैसिलिटी यहाँ पर मिल जा रही है और इतनी बेहतर फैसिलिटी है कि सारे के सारे कोर्स आपके स्ट्रक्चर्ड हैं, यानी कि पूरे कोर्स के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। अनलिमिटेड टाइम आप उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, प्रीवियस रिकॉर्डेड कंटेंट भी आप देख सकते हैं और जो करंट जो चल रहा है उसको तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये बेहतरीन फैसिलिटी आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। आपको महंगी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन क्वालिटी का स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिल जाता है। आपने सिर्फ एक डाउनलोड के बटन में क्लिक करना है और वो पीडीएफ जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, यानी कि आपको वहां पर बेहतरीन नोट्स जो है टीचर्स जिन नोट्स से आपको पढ़ाते हैं वही नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो इतनी बेहतरीन फैसिलिटी है, देर मत कीजिए, जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है इस प्रोसीजर को एक बार देख लेते हैं। क्या करना है, मोबाइल फोन में प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर के आपने ये ऐप आपको यहाँ पर नजर आ रही है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जब उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके की ये 3 रेखाएं नजर आएंगी, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन शो होगा क्लिक करने के बाद मैनेज गोल का। मैनेज गोल में जब क्लिक करेंगे तो वहां पर आपने गोल सिलेक्ट करना है एनटीए यूजीसी नेट का। ये काम आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। एनटीए यूजीसी नेट का गोल सिलेक्ट करने के बाद आपने गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने मंथ वाइज फी स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। जितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पे आप कंटिन्यू से पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंटर रेफरल कोड का। ठीक है, उस एंटर रेफरल कोड में आपने रेफरल कोड याद रखना है, लाइव जेजे रेफरल कोड का आपने इस्तेमाल करना है। कैपिटल में आप डालेंगे LIVE और LIVE के साथ आपने लिखना है जेजे। इस रेफरल कोड के माध्यम से आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाता है। तो 10% का डिस्काउंट और साथ में आप रेफरल कोड लगा रहे हैं मेरा, तो आपको मैं यहाँ पर हर समय मोबाइल नंबर उपलब्ध कराती हूँ। जब भी गाइडेंस की जरूरत होगी आप तुरंत मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश कीजिए 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने की, क्योंकि जो टीचर्स ने इतने सालों की मेहनत से कंटेंट तैयार किया है आपको उसको एक्सेस करने में, करीबन कंप्लीट कोर्स करने में 1 साल का समय लग जाता है और आगे भी आपको तैयारी को जारी रखना है। जैसे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट करके आपको वहां पर नौकरी
की गारंटी नहीं मिल जाती कि आपकी नौकरी जो है वो लग ही जाएगी। तो आपने आगे के लिए भी तैयारी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए आप इस एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी को जारी रख के आगे 2 साल के लिए आप इस तैयारी में बने रह सकते हैं और आगे के एग्जाम को भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। फी स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, 1 साल की फीस आपकी केवल 11,550 रुपए है। 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप लाइव जेजे रेफरल कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइव जेजे LIVEJJ रेफरल कोड का आपने इस्तेमाल करना है 10% के डिस्काउंट के लिए। 2 साल की फीस आपकी 16,800 रुपए है। फिर से आप मेरा रेफरल कोड लगाएंगे लाइव जेजे तो आपको 10% का डिस्काउंट जो है फीस में मिल जाएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। उम्मीद है सभी को मेरी आवाज क्लियर होगी, ये बफरिंग की कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो जितने भी बच्चे अभी जुड़ रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करने की भी आदत डालिए। और जो बच्चे अभी भूल चुके हैं कि क्लासेस जो है वो हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, उनके लिए मैं दोबारा से उन्हें रिमाइंड करा दूं कि रेगुलर अब से क्लासेस होंगी। 3 बजे हम यहाँ पर मुलाकात करेंगे और 3 बजे आप लोगों से मैं कभी थ्योरी क्लास के लिए मिलूंगी, कभी मैं आपको PYQs लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो एक अच्छी अगर आपको प्रैक्टिस लगातार बरकरार रखनी है तो आपको सेशन में बने रहना पड़ेगा। तो सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी। दोनों भाषाओं में आपके लिए प्रश्न आएंगे, हिंदी और अंग्रेजी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और जो व्याख्यान दिया जाता है प्रश्न के साथ उस व्याख्यान को ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्योंकि वो व्याख्यान ही आपके और भी कई क्वेश्चन जो है वो कवर कर सकता है, इसलिए आपने उन व्याख्यान को थोड़ा ध्यान से सुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? 2010, 2001, 2011 या 2007? सर्व शिक्षा अभियान SSA जिसे कहा जाता है किस वर्ष शुरू किया गया था? ये प्रश्न यहाँ पर आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए, A, B, C या D, जल्दी से उत्तर देते जाइए। और यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है, जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि बी विकल्प सही है, यानी कि 2001 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, तो सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो गया। इसी से एक और प्रश्न मैं आपका पूछ लेती हूँ। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये आपने बता दिया किस वर्ष शुरू हुआ था, 2001 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के मुझे बताइए, किसने शुरू किया था सर्व शिक्षा अभियान, किसने शुरू किया था? आपको अगर ध्यान हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके उत्तर बता दीजिए, किसने शुरू किया था SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान, किसने शुरू किया था? आपको समय दे रही हूं मैं लिखने के लिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही, जितने भी बच्चों ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, सभी का उत्तर बिल्कुल सही होता है। यहां पर देखिए, यहाँ पर सही उत्तर देख लीजिए स्क्रीन में आपके आ गया है, आंसर बी जो है वो 2001 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर एक व्याख्या आपको दी गई है, आपको बताया गया है कि जो SSA है वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य रखा गया था प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का वहां पर प्रावधान किया गया था। ठीक है, और साथ ही इसको वर्ष 2010 तक के लिए रखा गया था कि हमने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना है, लेकिन बाद में इसको अनंत काल तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, 2001 में इसका प्रारंभ जो है वो किया गया था। उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है वो उद्देश्य था। किसने प्रारंभ किया? भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका प्रारंभ किया। उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के आयु तक के सभी बच्चों को 2010 तक अच्छे से शिक्षित कर देना इसका उद्देश्य था, लेकिन आगे चलकर इसको अनंत काल तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में एक छोटी सी व्याख्या जिसको आपने अपने दिमाग में बिठा करके रखना है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, जन शिक्षण संस्थान किसके द्वारा प्रायोजित योजना है? जन शिक्षण संस्थान, जन शिक्षण संस्थान इज अ स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
किसके द्वारा? विश्व बैंक, भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा या फिर स्थानीय सरकारों द्वारा? क्या सही उत्तर है? अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। जन शिक्षा संस्थान किसके द्वारा प्रायोजित या स्पॉन्सर की गई योजना है? विश्व बैंक, भारतीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा या स्थानीय सरकारों द्वारा? सही उत्तर क्या है? बिल्कुल जितने भी बच्चों ने कहा है कि बी विकल्प सही है, सभी का उत्तर पूरी तरह से सही हो गया है। ये जो जन शिक्षण संस्थान है जिसे JSS भी कहा जाता है, ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया? ये जो आपकी जन शिक्षा संस्थान जो स्कीम चलाई गई, ये विशेषकर आपके जो कह सकते हैं ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के जितने भी श्रमिक वर्ग हैं उनको शिक्षित करने के लिए और साथ ही उनको व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए यह जन शिक्षण संस्थान की जो योजना है इसका प्रारंभ, स्कीम जो है इसका प्रारंभ किया गया। यहाँ पे एक व्याख्या है, आपको उसके बारे में एक बार बता दूं। द स्कीम ऑफ जन शिक्षण संस्थान फॉर्मली नोन एज श्रमिक विद्यापीठ, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, श्रमिक विद्यापीठ के नाम से भी जन शिक्षण संस्थान को जाना जाता है, इज अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, यानी कि ये एक विशिष्ट योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। जन शिक्षण संस्थान आर कंसीव्ड एज इंस्टीट्यूट फॉर कंडक्टिंग स्किल अपग्रेड प्रोग्राम इन नॉन फॉर्मल मोड इन रूरल एंड अर्बन स्लम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह से नॉन फॉर्मल मोड है। नॉन फॉर्मल मोड आप क्या समझते हैं? नॉन फॉर्मल मोड से तात्पर्य है यानी कि आप जो कुछ भी अपने आसपास के परिवेश से सीखते हैं वो सारी की सारी शिक्षा आपकी नॉन फॉर्मल आपकी एजुकेशन के अंतर्गत आ जाती है। इसमें श्रमिकों की स्किल को, उनके कौशलों को अपग्रेड करने का प्रयास किया गया है स्कीम के अंतर्गत। जन शिक्षा संस्थान की जो स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत अर्बन यानी कि जो भी ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्रों में जो भी श्रमिक वर्ग है उनके कौशल को विकसित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। ठीक है, द स्कीम एम टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन, यानी व्यवसायिक शिक्षा देना इसका एक उद्देश्य है, एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो कौशल के विकास के कार्यक्रम भी इन्होंने चलाए हैं, टू नॉन लिटरेट, यानी कि जो पढ़े लिखे भी नहीं है उन लोगों के लिए, और जो नया नया पढ़ना लिखना सीखे उनके लिए। ठीक है, नियो लिटरेट यानी कि जिन्होंने नया नया पढ़ना लिखना सीखा हुआ है, फ्लुएंसी नहीं है, और जिन्होंने भी 12वीं जो है वो करके ड्रॉप आउट कर लिया है, स्कूल जो आगे की पढ़ाई जो है वो छोड़ दी है, 15 to 45 की आयु वर्ग के मध्य के जितने भी लोग हैं उनकी स्किल अपग्रेडेशन के लिए, यानी कि उनके कौशल के विकास के लिए, उनके एक तरह से व्यवसायिक शिक्षा के लिए ये स्कीम जो है वो काम करती है। द स्कीम ऑफ JSS बीइंग सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड विद पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप सिंस लास्ट 50 ईयर थ्रू NGO, यानी कि सरकार और जो निजी संस्थान है उन दोनों के प्रयासों से ये जो स्कीम है ये चलाई गई है, और इन स्कीम को सही तरीके से चलाने का काम किया है गैर सरकारी संगठनों ने, जो कि पिछले 50 सालों से इन श्रमिक वर्गों के कौशल के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। दीज NGO प्ले अ वाइटल रोल टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग एट डोर स्टेप ऑफ द बेनिफिशरी इन अनरीच्ड एरिया ऑफ द कंट्री, यानी कि ये NGO क्या कर रहे हैं, ऐसे स्थान जहां पर आप लोग, हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे जगह जगह ग्रामीण इलाके हम कह सकते हैं या ऐसी बस्तियां जहां पर जो आम पहुंच से बाहर हैं, ऐसी जगहों पर जाकर के ऐसे श्रमिकों को उन्होंने कौशल जो है वो विकसित किया है, उन्हें व्यवसायिक शिक्षा देने का प्रयास किया है। तो जन शिक्षा संस्थान क्या है? जन शिक्षा संस्थान भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जो विशेषकर श्रमिक वर्ग के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे वो शहरी क्षेत्रों के हों, उनमें कौशल का विकास करने के लिए और साथ ही व्यवसायिक शिक्षा देने के लिए चलाई गई है। सरकार और जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं उन दोनों के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है, और NGO ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। NGO ग्रामीण इलाकों में जाकर के जो लोग मुख्य धारा में नहीं है ऐसे लोगों तक पहुंचे और उनमें कौशल का विकास किया, व्यवसायिक शिक्षा देने का प्रयास किया। तो ये है आपकी जन शिक्षण संस्थान जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। व्याख्या ध्यान से सुननी है, बोर नहीं होना है। मैं आपको अक्सर देखती हूँ जैसे ही व्याख्या शुरू होती है आप लोग उबने लग जाते हैं। ठीक है, बोर नहीं होना है क्योंकि ये व्याख्या कई तरीके के प्रश्नों को आपके कवर कर लेती है, इसलिए यहाँ पर व्याख्या पर विशेष ध्यान दीजिए।
अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जनसंख्या अध्ययन किसके अध्ययन से संबंधित है? पॉपुलेशन स्टडीज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, मोरालिटी या उपरोक्त सभी, जनसंख्या की विशेषता, प्रादेशिक वितरण, नैतिकता या उपरोक्त सभी। सभी पेपर वन से एरिया के जितने भी एरिया हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो, आपके यहाँ पर आपको अलग अलग एरिया के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आज के सेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक ही एरिया से क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि ऐसे क्वेश्चन जो आपने नॉर्मली नहीं किए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आज लिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन PYQ है, ये आपने ध्यान रखना है, पूर्व वर्षों के प्रश्न है। ठीक है, जनसंख्या अध्ययन किसके अध्ययन से संबंधित है? सही उत्तर क्या है, ए बी सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, जितने भी बच्चों ने कहा है कि डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। जब भी आप जनसंख्या का अध्ययन करते हैं यानी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, तो सारे ही कारक जो हैं, जितने ये सभी फैक्टर जो है वो उसके अंदर अध्ययन किए जाते हैं, जिसमें आपकी पॉपुलेशन की विशेषता, आपकी जनसंख्या की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, प्रादेशिक वितरण यानी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, मोरलिटी आ जाती है आपकी जनसंख्या की, ये सारे कारक उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? द इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th अक्टूबर, 8th मार्च या 2nd अक्टूबर या 15th अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला सशक्तिकरण के लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है ये आपने बताना है, ए बी सी या डी, क्या सही उत्तर होगा? जल्दी से उत्तर देते जाइए। और जिन भी बच्चों ने सेशन को ज्वाइन कर लिया है और वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल से हमारी क्लासेस अभी 2-3 दिन से रेगुलर हो रही हैं, तो याद रखना है 3 बजे आपने रेगुलर मुलाकात करनी है। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, आप जल्दी से जाकर के उन क्लासेस को देख लीजिए। लिंक आपका टेलीग्राम पे मैं आपको भेज देती हूँ। तो लास्ट जो 2 क्लासेस हुई हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के देख लीजिए। एक हमारी MCQ की क्लास हो चुकी है और एक हमारी थ्योरी क्लास जो है वो हो चुकी है, कम्युनिकेशन पर आधारित। ठीक है, जल्दी से सही उत्तर बताइए, सही उत्तर क्या है? जितने भी बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कहा है कि बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को या एक ध्येय को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। NCLP स्टैंड फॉर, NCLP जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर लिटरेसी प्रमोशन, नेशनल कमीशन फॉर लेबर प्रोजेक्ट या नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम या नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, क्या है, ए बी सी या डी? सही उत्तर बताइए, क्या सही उत्तर है? NCLP की फुल फॉर्म आपने बतानी है, क्या सही उत्तर है? समय आपको पूरा दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी बच्चे अगर नोट डाउन करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में सेशन के बाद एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, लिया कीजिए। सही उत्तर क्या है? जितने भी बच्चों ने कहा है कि भाई डी विकल्प जो है वो सही है, हालांकि बहुत कम बच्चे जो है वो मुझे लग रहा है इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं, डी जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो है वो इसका सही फुल फॉर्म है। ठीक है, अब नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट ये है क्या? ये भी भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ऐसे बच्चे जो कि श्रमिक कार्यों में लगे हुए हैं, आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे आपको ढाबों में काम करते हुए मिल जाएंगे, घरेलू कार्य करते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो किसी ना किसी व्यवसाय में संलग्न है, उनको उनका व्यवसाय से हटा करके पहले उनको एक स्किल डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाता है, एक फॉर्मल एजुकेशन पर भेजने से पहले उनको स्किल डेवलपमेंट, मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, ये सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं और तब जाकर के उसके बाद उनको फॉर्मल एजुकेशन में भेजा जाता है। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को आपने समझ लेना है क्या है। ठीक है, यहाँ पर डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, एक बार इसकी व्याख्या हम यहाँ पर देख लेते हैं।
द नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम इज अ सेंटर सेक्टर स्कीम, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर आपकी ये स्कीम चलाई गई है. अंडर दिस स्कीम द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 9 टू 14 ईयर आर विड्रॉल फ्रॉम वर्क एंड पुट इनटू एनसीएलपी स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर. क्या कहा गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत 9 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो भी काम वो कर रहे हैं, जिस भी व्यवसाय में वो संलग्न है, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो यह समय क्या है, ज्ञान अर्जित करने का समय है, तो उनको उन व्यवसायों से निकालकर एनसीएलपी के स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है, वेयर दे आर प्रोवाइडेड विद द ब्रिज एजुकेशन, जहां पर उनको एक सेतु शिक्षा दी जाती है, एक एजुकेशन दी जाती है, साथ में एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, मिड डे मील की फैसिलिटी दी जाती है, भोजन जो है वो उपलब्ध कराया जाता है, और साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी उनको वहां पर उपलब्ध कराई जाती है. Before being mainstream into formal system, formal education system, यानी कि आप एक तरह से स्कूल जो भेजने वाली शिक्षा है उससे पहले ये सारी चीजों का प्रबंध जो है वो किया जाता है. तो आपने समझ लिया नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट क्या है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसमें 9 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया गया है. पहले उनको उनके व्यवसाय से निकाल करके एक एनसीएलपी के ट्रेनिंग सेंटर्स में भेज दिया जाता है, और वहां जाकर के उनको एजुकेशन दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, मिड डे मील दिया जाता है, और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, और उसके बाद में उनको फॉर्मल एजुकेशन में भेज दिया जाता है. ठीक है, तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं. ये तो आप परिचित हैं इस प्रश्न से, तो आसानी से उत्तर कर पाएंगे. औपचारिक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसे हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं. ठीक है, औपचारिक की जगह आप कह लीजिए रचनात्मक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है. तो क्या तात्पर्य है, सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करना, कार्यक्रम के अंत में मूल्यांकन करना, या संस्थाओं का मूल्यांकन करना, या कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में मूल्यांकन करना. क्या सही उत्तर है, ए बी सी या डी. मैंने आपको पहले भी समझाया था समेटिव और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. जब आपको एक उदाहरण में फिर से याद दिला दूं, जब खाना पकते पकते आप बीच बीच में जो टेस्ट करते हैं वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है. जब पक चुका होता है उसके बाद आप चखते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, समेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है. अब ये उदाहरण मैं आपको केवल दे रही हूं, ठीक है, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन का. सही उत्तर क्या है, जितने भी बच्चों ने कहा कि कार्यक्रम के प्रारंभिक चरणों में मूल्यांकन, जब आप कार्यक्रम जब आप कर रहे होते हैं तो उस समय जो प्रारंभिक इनिशियल स्टेज में जो आप मूल्यांकन करते हैं वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की श्रेणी में आएगा. दिए गए विकल्पों में से ही आपने उत्तर देना था, इसलिए जो सबसे करीबी है वो आपका डी विकल्प जो है वो सबसे करीबी है. कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में जो मूल्यांकन होता है वही आपका रचनात्मक या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है. तो डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है. अगले प्रश्न पर हम चलते हैं. जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं और जिन्होंने भी अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. रेफरल कोड आपने याद रखना है, लाइव जेजे रेफरल कोड. जब भी सब्सक्रिप्शन लें अनअकैडमी का, लाइव जेजे रेफरल कोड का आपने इस्तेमाल करना है 10% के डिस्काउंट के लिए. फोन नंबर मैं आपको उपलब्ध कराती हूँ सेशन के स्टार्टिंग में, एंड में. फोन नंबर के माध्यम से आप मुझसे गाइडेंस के लिए जुड़ सकते हैं जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या फिर ले चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है. अभी भी जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए. अगले प्रश्न पे चलते हैं. मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है किस तारीख को, 18 जुलाई, 2 अक्टूबर, 18 जुलाई या 8 जुलाई या फिर 10 दिसंबर. ए बी सी या डी, क्या सही उत्तर है. मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को वो मनाया जाता है, जल्दी से उत्तर दीजिए. सही उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है. जितने भी बच्चों ने हमारे कहा है कि डी विकल्प जो है वो सही है, तो सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो गया है. 10th दिसंबर जो है वो बिल्कुल सही तारीख है. मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है. अगले प्रश्न पर हम चलते हैं. अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न में से कौन सा संचार का एक तत्व नहीं है. संचार का एक तत्व नहीं है, प्रतिक्रिया, निष्ठा, चैनल या संदेश. ए बी सी या डी, क्या सही उत्तर है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब आपके मजे आ गए हैं. इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से दे दीजिए.
बहुत ही सरल सवाल है, आप इसमें मास्टर हो चुके हैं। अगर आपने कम्युनिकेशन की थ्योरी क्लास देखी है, आपने कम्युनिकेशन की यूनिट को ध्यान से पढ़ा है, तो ये प्रश्न बेसिक क्वेश्चन है। इतने सारे आपको थोड़ा बहुत जटिल प्रश्नों के बीच में कुछ सरल प्रश्नों को भी शामिल किया गया ताकि आप आसानी से उत्तर दे पाए। तो सही उत्तर क्या है? हमारे जितने भी बच्चों ने कहा कि संचार का तत्व नहीं है, वो है निष्ठा, यानी कि फाइडलिटी। ठीक है, ये जो है तत्व नहीं है, बल्कि ये अन्य जो है रिस्पॉन्स चैनल और मैसेज जो है वो आपके तत्वों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलें। सही उत्तर स्क्रीन पर आपके आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहता है, कार्यात्मक साक्षरता सीखने को जीने और काम करने के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए है, यानी कि फंक्शनल लिटरेसी इज टू मेक लर्निंग रिलीवेंट टू लिविंग एंड वर्किंग। अंग्रेजी में ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा। रीजन आर फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड स्किल इंप्रूवमेंट लीडिंग टू एम्प्लॉयमेंट। कार्यात्मक साक्षरता रोजगार में अग्रणी कौशल सुधार प्रदान करती है। अगर आपको फंक्शनल लिटरेसी पता है कि फंक्शनल लिटरेसी क्या है, तो आप इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। नवे प्रश्न का आप यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। अब फंक्शनल लिटरेसी क्या होता है? एक तरह से आपका फंक्शनल लिटरेसी व्यवसायिक शिक्षा की तरह ही है, ये आप ध्यान रखिए। कार्यात्मक साक्षरता नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आपको थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। फंक्शनल लिटरेसी क्या है, कार्यात्मक साक्षरता क्या है, सही उत्तर क्या है, जल्दी से उत्तर दीजिए। ए, बी, सी या डी? फंक्शनल लिटरेसी इज टू मेक लर्निंग रिलीवेंट टू लिविंग एंड वर्किंग, यानी कि आपको इस तरह की लर्निंग कराई जाएगी जिससे कि आप कार्य भी कर सकें, अपना जीवन यापन भी कर सकें। रीजन आर बता रहा है, फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड स्किल इंप्रूवमेंट लीडिंग टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपके अंदर कौशल जो है उनको उनका विकास करती है और आपको एक तरह से एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाती है। क्या दोनों कथन जो हैं वो सही हैं? जी हाँ, दोनों ही कथन जो हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि बोथ ए और आर जो है वो टोटली करेक्ट है। ठीक है, फंक्शनल लिटरेसी कंसिस्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल दैट आर इनएडुकेट टू मैनेज डेली लाइव्स एंड एम्प्लॉयमेंट टास्क दैट आर रिक्वायर रीडिंग स्किल बियॉन्ड अ बेसिक लेवल। जब आप रोजगार करते हैं तो श्रमिक वर्गों का एक तबका ऐसा होता है जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, जब वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो किसी पर भी उनसे अंगूठा लगवा लेंगे, तो वो किसी पर भी अंगूठा लगा देंगे बिना पढ़े लिखे, उनको पता ही नहीं किस चीज पर वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो ऐसे में फंक्शनल लिटरेसी क्या होता है? फंक्शनल लिटरेसी के अंतर्गत आपका जो नॉर्मल जो है पढ़ना लिखना करीबन, जो आप फ्लुएंसी के साथ भी अगर नहीं आता, लेकिन नॉर्मल आपको पढ़ना लिखना भी जो है वो आ जाता है फंक्शनल लिटरेसी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये है आपका फंक्शनल लिटरेसी, तो दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अभिकथन ए कह रहा है कि समवर्ती मूल्यांकन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। कॉन्क्रीट इवेल्युएशन फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्रेस प्रोसेस कब होता है ये आपने ध्यान रखना है। कॉन्क्रीट इवेल्युएशन एम टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसीज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। ए, बी, सी या डी, क्या सही उत्तर है? कॉन्क्रीट इवेल्युएशन क्या होता है ये आपने ध्यान में रखना है। चलो, प्रश्न के उत्तर से पहले मैं आपको बता देती हूँ कॉन्क्रीट इवेल्युएशन होता क्या है, ताकि आप समझ के उत्तर दे सकें। रुक जाइए उत्तर देने से पहले, अगर जिनको पता है टोटली तो वो उत्तर दे दीजिए। कॉन्क्रीट इवेल्युएशन क्या होता है? जब भी आप, मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट पर कार्य करने के दौरान आप शिक्षक को बार बार अगर शो कर रहे हैं और टीचर आपको बता रहा है कि हाँ ये कमी रह गई है, ये सुधार करो, इसमें ये सुधार की गुंजाइश है, ये चीज ठीक है, ये इम्प्रूव करना है, तो वो होता है आपका कॉन्क्रीट इवेल्युएशन। प्रोजेक्ट को बनाते समय आप जब बीच बीच में अपने टीचर से पूछते रहते हैं या टीचर आपको बताता रहता है कि ये चीज ठीक है, इस चीज को इम्प्रूव करो, इसको इस तरह से करो, इसको उस तरह से करो, तो वो आपका कॉन्क्रीट इवेल्युएशन कहलाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है 10वें प्रश्न का आप इस संदर्भ में उत्तर देंगे। समवर्ती मूल्यांकन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर केंद्रित है।
समवर्ती मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान कमियों की पहचान करना है। जी बिल्कुल ही, दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, जिस समय क्रियान्वित हो रही होती है, प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, उसी समय आप टीचर जो है आपको बताता है ये कमियां हैं। तो बिल्कुल क्रियान्वयन के दौरान कमियों की पहचान की जाती है, दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है। तो ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लीजिए, अ प्रोसेस इन विच स्टूडेंट एंड टीचर मीट टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट, ईच शेयरिंग देयर the perception of what is going well, what need improvement and resulting in agreement about the status of quality of the assignment. यही चीज आपको बताई गई है, क्या चीज सही चल रहा है, क्या चीज को सुधार किया जाना है। ये स्टूडेंट और टीचर जो है आपस में मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और एक बेहतरीन क्वालिटी का असाइनमेंट इसके माध्यम से बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने एक नया तथ्य सीखा, कॉन्क्रीट इवेल्युएशन क्या होता है। अगला, विस्तृत मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन की एक प्रमुख विशेषता है, क्या है? निरंतरता, नियमितता, विषय वैशेषिक या समयबद्धता। क्या सही उत्तर है? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी, क्या सही उत्तर है? आपने टर्म सुना होगा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक या विस्तृत मूल्यांकन की क्या विशेषता है? विस्तृत मूल्यांकन कब होगा? जितने भी बच्चों ने कहा ए विकल्प, निरंतर जब होगा तभी वो विस्तृत मूल्यांकन कहलाएगा। तो जिन्होंने भी कहा ए विकल्प सही है, सभी का उत्तर पूरी तरह से सही हो गया है। तो बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का, ए विकल्प जितनों ने भी कहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर हम यहाँ पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, संचार प्रक्रिया में स्रोत और रिसीवर शामिल होते हैं। स्रोत, सोर्स और रिसीवर जो है वो शामिल होते हैं। अगला कारण बोल रहा है कि वर्चुअल लर्निंग को कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा जो विकल्प है वो सही है? ए बी सी या डी? संचार प्रक्रिया के बारे में आप जानते हैं, वर्चुअल लर्निंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल लर्निंग होती क्या है। ऑनलाइन लर्निंग आपकी एक तरह से वर्चुअल लर्निंग है, ठीक है, जिसमें आप ऑनलाइन लर्निंग करते हैं वही आपकी एक तरह से वर्चुअल लर्निंग है, ठीक है। तो आप बताइए जल्दी से क्या सही उत्तर है, संचार प्रक्रिया में स्रोत और रिसीवर शामिल होते हैं, हाँ या नहीं? जल्दी से सोचिए, वर्चुअल लर्निंग को कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए जब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन लर्निंग में कंप्यूटर की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सही, ये जो दूसरा विकल्प है वो गलत है, कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं नहीं होती बल्कि होती है कंप्यूटर की आवश्यकता। ए जो है वो सही है लेकिन दूसरा जो है वो गलत है। और ये कौन सा कह रहा है हमारा विकल्प कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट? ए विकल्प जो है वो कह रहा है कि ए जो है वो सही है और आर जो है वो सही नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अभिकथन ए कहता है, विश्वविद्यालय को छात्रों को आजीवन सीखने के लिए तैयार करता है। विश्वविद्यालय छात्रों को आजीवन सीखने के लिए तैयार करता है, स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। विश्वविद्यालय छात्रों को आजीवन सीखने के लिए तैयार करता है। कारण कह रहा है, आजीवन सीखने का कार्यक्रम ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देता है। ए बी सी या डी, कौन सा कथन सही है? सोच समझ करके उत्तर दीजिए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और तब जाकर के उत्तर दीजिए। क्या विश्वविद्यालय छात्रों को आजीवन सीखने के लिए तैयार करते हैं, जिससे कि विश्वविद्यालय इस तरह से ट्रेन कर देते हैं बच्चों को कि जिससे वो पूरे जीवन भर सीखते ही रहें, सीखने के लिए तैयार रहें, या आजीवन सीखने का कार्यक्रम ज्ञान आधारित समाज का उसको बढ़ावा देता है? आप जीवन भर अगर सीखते रहेंगे तो एक ज्ञानवान समाज का निर्माण हो जाएगा। क्या सही है? बिल्कुल, जितने भी बच्चों ने कहा है कि दोनों ही कथन बहुत बढ़िया कहे गए हैं तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो बी विकल्प अगर आप कह रहे हैं, ए और आर ट्रू है, तो बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका, ठीक है। तो अभी थोड़ा इजी प्रश्न आ रहे हैं, आपको थोड़ा राहत मिली है यहाँ पे। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर इन विच दे अपेयर्ड, यानी कि अपनी जिस तरह से, जिस क्रम में ये लोग आते हैं उस क्रम में आपने इनको सही कोड में लगाना है। क्या पहले होता है? लिटरेट, इलिटरेट, न्यू लिटरेट या सेमी लिटरेट, साक्षर, अनपढ़, नव साक्षर या अर्ध साक्षर, इसको सही क्रम में आपने लगाना है।
क्या सही क्रम होगा। अगर आपको पता है साक्षर कौन है, अनपढ़ कौन है, नव साक्षर कौन है और अर्ध साक्षर कौन है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है, ए बी सी या डी, कोड में से सही उत्तर आपने देना है। चौदहवें प्रश्न का आप यहां पर उत्तर दे रहे हैं। सही उत्तर क्या है, सबसे पहले क्या होगा, चलिए बताइए। सबसे पहले एक अनपढ़ होगा, ठीक है, अनपढ़ को ही आप बाद में साक्षर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो अनपढ़ होगा, उसके बाद वो अर्ध साक्षर होगा। अनपढ़ जिसको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, अर्ध साक्षर अब थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख चुका है। जब वो पढ़ना लिखना सीख चुका है तो वो नव साक्षर बन चुका है, और नव साक्षर के बाद वो पूरी तरह से साक्षर बन चुका है। तो यही क्रम होगा, यहाँ पर देख लीजिए सही क्रम। लिटरेट अनेबल टू रीड एंड इलिटरेट अनेबल टू रीड एंड राइट, यानी कि जो पढ़ने और लिखने में सक्षम नहीं है वो आपका कहते हैं निरक्षर कहलाएगा। सेमी लिटरेट जो अनेबल टू रीड एंड राइट विद ईज ऑफ और फ्लुएंसी, यानी कि जो पूरी फ्लुएंसी के साथ नहीं लिख पढ़ सकता है, बहुत अच्छी तरह से वो एजुकेटेड नहीं है। नियो लिटरेट एन एडल्ट और एन एडोलेसेंट हु डिड नॉट और कुड नॉट मेक यूज ऑफ अवेलेबल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ऑन टाइम, यानी कि जिसने समय रहते पढ़ाई की सुविधा का लाभ नहीं उठाया, और हु एट अ लेटर स्टेज, यानी कि बाद में जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया या एडोलेसेंट की स्टेज पे आ गया, तो उस समय वो लिटरेट मतलब पढ़ना लिखना सीखता है, ठीक है, चाहे वो फॉर्मली सीखे चाहे वो इनफॉर्मली सीखे, ठीक है। अब इसमें आप कैसे फॉर्मली या इनफॉर्मली कैसे आ गया, कि कुछ प्रौढ़ साक्षरता अभियान जिस तरह से चलाए जाते हैं उसके माध्यम से, और लिटरेट अंत में आ जाता है जिसे पढ़ना लिखना आ जाता है, ठीक है। तो ये क्रम होगा, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आदेश में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपने इसको भी एक सही क्रम में लगाना है, क्या पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। मूल्यांकन, नियोजन, निगरानी करना या क्रियान्वयन, अंग्रेजी में देख लेते हैं, इवेलुएशन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग या इम्प्लीमेंटेशन, क्या सही क्रम होगा। सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या और उसके बाद क्या होगा, जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या सही क्रम होगा। जब भी आप इस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे तो क्या सही क्रम होना चाहिए। सही उत्तर क्या है, अब जितने भी हमारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई इस प्रक्रिया में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने प्लानिंग कर लेनी है, योजना बना लेनी है, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद अब जब हमने योजना बना ली तो हमने उस योजना को क्रियान्वित कर लेना है, इम्प्लीमेंटेशन कर लेना है। अब इम्प्लीमेंट कर लिया, अब हमने क्या करना है, वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं उसके लिए मॉनिटरिंग करनी है, यानी निगरानी करनी है। और जब अच्छी निगरानी अगर आपने करना है, ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी योजना आपने बनाई थी उसका इम्प्लीमेंटेशन, तो लास्ट में आपने उसका इवेल्युएशन कर लिया। ये इवेल्युएशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी टेस्ट के माध्यम से या किसी भी एग्जामिनेशन के माध्यम से, ठीक है। तो ये सही क्रम होगा, सही क्रम क्या है, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। तो ये आपका सी जो विकल्प है इस हिसाब से बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। आपको सूची एक में लिटरेसी, एनवायरमेंट, एजुकेशन, पॉपुलेशन स्टडी और वुमेन स्टडी, आपको ये सारे शब्द दिए गए हैं, और इन जो शब्द दिए गए हैं इनसे संबंधित जो अवधारणा है, सही अवधारणा के साथ आपने मिलान करना है। दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे, हिंदी अंग्रेजी, तभी सही तरीके से मिलान कर पाएंगे। क्या सही क्रम होगा, ए बी सी या डी, लिटरेसी होगी तो क्या आएगा, कंजर्वेशन, संरक्षण जिसे हम कहते हैं, डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी, या फिर तीसरा डेवलपमेंट इंडिकेटर होगा, या फिर वो एम्पावरमेंट होगा, या एनवायरमेंट स्टडी होगी तो क्या होगा, उसमें कंजर्वेशन होगा या डेमोग्राफी होगी, डेवलपमेंट इंडिकेटर होगा, एम्पावरमेंट होगा, क्या सही क्रम है, जल्दी से सोच समझ करके बताइए। 16th क्वेश्चन का आप उत्तर दे रहे हैं।
अब जितने भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है हमारा बी विकल्प, तो उन सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो गया। कैसे? लिटरेसी आएगी तो वो क्या है, वो एक विकास का सूचक है, यानी कि सभी लोग साक्षर होंगे तो एक विकास का सूचक है। एनवायरमेंट एजुकेशन जो है वो आपका संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए ही आप एनवायरमेंट एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। पॉपुलेशन स्टडी आपका डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी के अंतर्गत आता है। वुमेन स्टडीज जब होगी आपका जो फेमिनिज्म जो होता है वो एम्पावरमेंट के अंदर आ जाता है। तो सही उत्तर था बी विकल्प। ठीक है, तो इस तरह से आपने मेल करना है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मजेदार, ऐसे क्वेश्चन आ जाए बस एनटीए यूजीसी नेट में तो काम बन जाए, है ना। सबसे अच्छा प्रश्न आपके सामने है, लिस्ट एक और लिस्ट दो दिए हुए हैं, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ए बी सी या डी, कोड में से आपने छांट करके बताना है। सही शिक्षण सहायक सामग्री आपको दी गई है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री कौन से समूह से संबंधित है ये आपने बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन, क्या सही उत्तर होगा। 17वें प्रश्न का आप यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं, क्या सही उत्तर है, जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, मेल करते हैं, रेडियो। रेडियो में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, क्या आता है रेडियो से, ऑडियो आता है। तो सही इसका मिलान किस में होगा, कहाँ गया, रेडियो का मिलान आपका होगा ऑडियो के अंतर्गत। ठीक है, अगला चलते हैं, टीवी। टीवी में आप ऑडियो भी सुनते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपका ऑडियो विजुअल में आ गया। न्यूज़पेपर क्या हो गया, विजुअल, जिसको आप केवल देख सकते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में एक अच्छा खासा इंटरेक्शन अंतःक्रिया हो जाती है, ठीक है, आमने सामने अच्छी खासी बातचीत हो जाती है, तो यह आपका इंटरेक्शन के अंतर्गत, इंटरेक्टिव के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो सही क्रम क्या है, सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा आपका ये जो उत्तर है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अब फिर से सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। आपको एजुकेशन दी हुई है, कौन सी एजुकेशन किस संस्था से संबंधित है वो आपने मिलान करना है, सही कोड का आपने चयन करना है। जल्दी से उत्तर देते जाइए, ये भी उम्मीद है। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने में यदि एक दो नहीं आते हैं और ज्यादातर आपको आते हैं तो आपको जो लास्ट वाला बच जाता है आपको पता चल जाता है इसका मेल तो इसी से होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है और ये बाकी जो बचे हुए हैं वो तो मैंने मिला लिए हैं। बाकी उम्मीद है एक ही चीज में आप अटक रहे होंगे इसमें, जिस तरह से मैं जानती हूं, समझती हूं। सही उत्तर क्या है, 18वें प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं, 18वें प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं, मेल कर लेते हैं, चलिए उत्तर भी पता चलता जाएगा। स्कूल एजुकेशन जो है, स्कूल एजुकेशन में आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन में आपका तीसरे से आपने मिलान कर लिया। टीचर एजुकेशन आपका किससे संबंधित है, एनसीटीई से आपका संबंधित है, ठीक है, तो आपने इसका इससे मिलान कर लिया। हायर एजुकेशन आप यूजीसी जो है, जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है, कॉलेजेस, आपका यूजीसी से ही मान्यता प्राप्त करता है। एडल्ट एजुकेशन आपका आ गया एनएलएम से, ठीक है, इसका सही उत्तर आप देख लीजिए, डी विकल्प जितने भी बच्चों ने कहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो आपने स्कूल एजुकेशन को एनसीईआरटी से मिलान किया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। टीचर एजुकेशन को नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से आपने मिलान किया। हायर एजुकेशन को आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मिलान किया। एडल्ट एजुकेशन को नेशनल लिटरेसी मिशन से आपने मिलान किया। अब ये नेशनल लिटरेसी मिशन क्या है इसको मैं आपको बता दूं, लॉन्च किया गया था 1988 में, जिसमें फंक्शनल लिटरेसी, आपका फिर से यह शब्द इस्तेमाल हुआ है, फंक्शनल लिटरेसी टू नॉन लिटरेट इन द एज ऑफ 15 to 35 years इन अ टाइम बाउंड मैनर, जिसमें क्या किया जाता है, 15 से 35 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं जो नॉन लिटरेट हैं उनको एक तरह से लिटरेट करने का प्रयास किया जाता है कि वो कम से कम पढ़ लिख सकें, जो भी चीज वो कार्य कर रहे हैं उससे संबंध में हल्का फुल्का पढ़ना लिखना आ जाएगा तो वो किसी भी चीज में बिना देखे जो है वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उनको अवगत होगा कि वो क्या चीज पे हस्ताक्षर कर रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं।
फिर से सूची एक का सूची दो से आपने मिलान करना है, लिटरेसी हाउस कहाँ पर स्थित है, सेवा मंदिर कहाँ पर स्थित है, इंडियन अडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन कहाँ पर स्थित है और गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये आपने सही क्रम में मिलान करना है। 19वें प्रश्न का आप यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं, जल्दी से उत्तर दे दीजिए क्या सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही जवाब है, जितने भी हमारे बच्चों ने कहा है कि इसका ए विकल्प जो है वो सही है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो गया। लिटरेसी हाउस इनको नहीं पता है, अधिकांश को नहीं पता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। लिटरेसी हाउस जो है वो लखनऊ में स्थित है, सेवा मंदिर जो है वो उदयपुर में स्थित है, इंडियन अडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है और गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट जो है वो गांधी ग्राम में स्थित है। तो ये तो नाम से ही आपने स्पष्ट कर लिया था, ठीक है। तो ए विकल्प जो है वो बिल्कुल करेक्ट था। अब अगले और अंतिम प्रश्न पर हम आ गए हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, ये किसने कहा शिक्षा मनुष्य बना रहा है, वह यह कि किस चरित्र के बनने में मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विस्तार होता है और जिसके द्वारा मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अंग्रेजी में ध्यान से पढ़िए, हु सेड दिस एजुकेशन इज मैन मेकिंग, शिक्षा मनुष्य का निर्माण कर रही है, बना रही है। इट इज दैट बाय विच कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथन ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सप्लेन्ड एंड बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। किसका ये कथन है, सही उत्तर क्या होगा? ए बी सी या डी, क्या सही उत्तर है? बिल्कुल सही, हमारे जितने भी बच्चों ने कहा है कि विवेकानंद जो है वो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में जुड़े रहने का। अंतिम प्रश्न था हमारा ये सेशन का, बस ये अंतिम पड़ाव हम यहाँ पर अंत में आ चुके हैं। जितने भी बच्चे जुड़े रहे और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करने की भी आदत डालें। लाइव जेजे रेफरल कोड आपने याद रखना है, ये फोन नंबर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी सब्सक्रिप्शन ले इस फोन नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है, और जब भी सब्सक्रिप्शन ले ये रेफरल कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्र में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर करने की आदत डालिए, ठीक है। जितना शेयर करेंगे उतना और भी अन्य बच्चे जो हैं वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, और रेगुलर क्लास में बने रहिए, ज्वाइन कीजिए रेगुलर क्लास को। इस तरह से आपके लिए प्रश्न लेके आए जाते हैं यहाँ पर कि सारे प्रश्न जो हैं वो आपके कवर हो जाए और पेपर जब आप देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ है, ये क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ है, इतना अच्छा सा आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो इस प्रैक्टिस का फायदा उठाइए, भूलिएगा नहीं, ठीक है। जो भी अभ्यास आपको कराया जाता है उसको भूलना नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहना है। और इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सत्र में बने रहने के लिए। कल संडे है आई थिंक, ठीक है, तो कल संडे आपसे मुलाकात नहीं होगी, सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। सोमवार को 3 बजे हम यहाँ पर आपसे मुलाकात करेंगे और आज की सेशन को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सत्र में बने रहने के लिए, सभी को मेरा नमस्कार।